2018 में भारतीय संसद में एक प्रश्न पूछा गया। उस प्रश्न के जवाब में, यानी प्रश्न पूछा गया कि भारत कितना खर्चा करता है पर डे पर कैपिटा, यानी एक व्यक्ति पर प्रतिदिन, यानी एक खिलाड़ी पर प्रतिदिन कितना पैसा खर्चा करता है, इस विषय पर प्रश्न पूछा गया। तो जो उत्तर आया पार्लियामेंट में सरकार की तरफ से, वो कहा गया कि भारत केवल 3 पैसा खर्चा करता है पर डे पर कैपिटा ऑन स्पोर्ट्स, यानी खेल पर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति केवल 3 पैसा खर्चा करता, और चाइना हमारे हिसाब से अगर देखें तो 6.1 रुपया खर्चा करता है। हम 3 पैसा खर्चा करते हैं और वो 6 रुपया खर्चा करता है। अब आप देख लीजिए, हम 3 पैसा खर्चा करते हैं, 6 रुपया खर्चा करता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न यहां पर और पूछना चाहता हूं, और इस पर कमेंट भी चाहूंगा। आप लोग हालांकि कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन चलिए अच्छी बात है, मतलब अपने दिमाग में इस पॉइंट को रखिएगा, क्योंकि मैं कोर मेंटोर हूं यूपीएससी का, मेरे बच्चे भी कोर हैं, तो इसलिए ये सब चलता है। क्या यहां पर मैं एक IQIP कर सकता हूं कि केंद्रीय एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ इसलिए होने चाहिए क्योंकि इससे धन का अपव्यय कम होगा, क्योंकि एक ही बार में सारा काम हो गया, और जो पैसा बचेगा उस पैसे का, यानी एक बहुत बड़ा अमाउंट बचेगा, उस पैसे का हम यानी खेल और अन्य गतिविधियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये लाइन यहां पर सुटेबल है कि नहीं, एक बार कमेंट करके फटाफट बताइए। क्या ये लाइन यहां पर सुटेबल है कि नहीं, मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए, क्या ये लाइन सुटेबल है या ये लाइन सुटेबल नहीं, विचार करिए, बताइए मुझे। तो मेरा तो अपना मानना है।